जय भीम साथियों, वरिष्ठ प्रसिद्ध मराठी कवि यशवंत मनोहर ने एक क्रांतिकारी कदम में हिंदू धर्म की देवी सरस्वती की आलोचना करते हुए विदर्भ साहित्य संघ द्वारा दिए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अनुभवी कवि यशवंत मनोहर ने ऐसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि संगठन ने सरस्वती पूजा की और मंच पर देवी की प्रतिमा को माला पहनाई। उनका मानना है कि सरस्वती केवल ब्राह्मणों के लिए शिक्षा का प्रतीक है, बहुजनों के लिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ही शिक्षा की प्रतिमा है। उन्होंने संस्था को एक पत्र में लिखा है कि सरस्वती देवी की प्रतिमा शोषण का प्रतीक था जो शिक्षा और ज्ञान पाने के लिए महिलाओं और शूद्रों को वर्जित करता था। मैं साहित्यिक कार्यक्रमों में धर्म का अनुमोदन नहीं करता। मेरी समझ यह है कि विदर्भ साहित्यिक संघ एक लेखक और मेरे विचारों के रूप में मेरी भूमिका जानता होगा। मुझे बताया गया था कि देवी सरस्वती की एक छवि होगी। मैं अपने मूल्यों की उपेक्षा करके पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। अगर विदर्भ साहित्यिक संघ के किसी व्यक्ति ने पिछले कुछ दिनों में मुझसे संपर्क किया होता तो हम कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं की मुक्ति के लिए सावित्रीबाई फूले और कई अन्य लोगों के योगदान तो पता है। उन्होंने पूछा कि आप मुझे इस मामले में सरस्वती की योगदान के बारे में एक भी बात बता दीजिए। यदि आप मुझे तर्क से संतुष्ट कर देते हैं तो मैं अपनी भूमिका के बारे में ज़रूर सोचूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी कलाकारों, लेखकों, राजनेताओं और महाराष्ट्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वे साहित्यिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों में देवी सरस्वती के बजाय सावित्रीबाई फूले की तस्वीर और संविधान की किताब रखने की संभावना पर जरूर विचार करें। महाराष्ट्र के एक दूर दराज गांव येरला में पैदा हुए, गरीबी में बड़े हुए डॉक्टर यशवंत मनोहर की कविताओं ने दशकों से जातिगत उत्पीड़न की जमकर आलोचना करी है और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते आए हैं। उनकी कविताएं बाबा साहेब के जीवन और कार्यों से ही प्रभावित रही हैं। उन्होंने कविताओं के साथ संग्रह साहित्यिक विचारों की 32 पुस्तकें, 3 उपन्यास आलोचना की 23 किताबें, 3 गैर काल्पनिक कृतियां, 4 पत्रों का संग्रह और एक यात्रा की किताब लिखी है। विदर्भ साहित्यिक संघ मराठी साहित्य के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1923 में मराठी साहित्य के विस्तार के लिए हुई थी। हर वर्ष ये संस्था ऐसे ही सम्मान समारोह में मराठी साहित्य से जुड़े लोगों को सम्मानित करती है। संस्था की ओर से हर 2 वर्ष पर एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जिसके लिए इस साल यशवंत मनोहर को चुना गया था। अपने लेखन को काम से ज़्यादा एक सोच और विचार के तौर पर सामाजिक चर्चा में रखने के लिए, अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर अवार्ड ना स्वीकार करने के लिए, मनुवादी साहित्यिक परंपराओं को बदलने की बात करने के लिए, इसके लिए हमारा डॉक्टर यशवंत मनोहर को सलाम और अभिनंदन। ऐसे ही वरिष्ठ कलाकार हमारी अम्बेडकरवादियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और यहाँ हम चाहेंगे कि सवर्ण जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या कवि लेखक हैं वो भी सरस्वती को छोड़कर सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा ही लगाए तो बढ़िया रहेगा। तो इस शानदार खबर को आप सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये खबर दूर तक पहुँचना ज़रूरी है कि सावित्रीबाई फूले ही अम्बेडकरवादियों के लिए, दलित बहुजनों के लिए, मेरे ख्याल से सवर्णों के लिए भी एक प्रतिमा है, आइडल है, सरस्वती देवी नहीं, क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने ही सबके लिए शिक्षा की बात करी थी। तो आप ऐसी खबरों के लिए चाहे तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों।